हेलो एंड वेलकम टू गार्डन फेवल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके अपनों का खूब अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत से प्लांट की जिसके कई नाम हैं। इंडिया में ये ज़्यादा करके वॉन्डरिंग ज्यू के नाम से फेमस है। ये वेरी इजी टू केयर प्लांट है और इस अपने वेरिएशन के लिए ज़्यादा उगाया जाता है। इस पर जो सिल्वर लाइंस है बड़ी खूबसूरत दिखती है और पीछे से इसके पत्ते पर्पल कलर के होते हैं। अगर आप नए गार्डनर हो, ज़्यादा फूलों पत्तों के बारे में नहीं जानते और अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हो तो ये पौधा आपके लिए परफेक्ट है। ये वॉन्डरिंग ज्यू को कई और नामों से भी जाना जाता है। इसको जेबरीना प्लांट भी कहते हैं, इंच प्लांट भी कहते हैं और इसकी एक बड़ी फेमस सी कहानी भी है जो इसके नाम वॉन्डरिंग ज्यू के साथ में जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जीसस जब एक जगह से गुजर रहे थे तो एक ज्यू ने, एक यहूदी ने उनके ऊपर ताना कसा था, तो जीसस ने उनको कर्स कर दिया था कि तुम हमेशा भटकते रहोगे, हमेशा घूमते रहोगे, तुम्हें कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। तो उसी के ऊपर ये पौधे का नाम वॉन्डरिंग जूई पड़ा है। इसको किसी भी तरह की मिट्टी में आप लगा सकते हैं, इसको कोई ख़ास तरह की मिट्टी नहीं चाहिए और ये काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत नाजुक भी है। अभी देखिए मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिल्वर लाइंस के साथ खूबसूरत सा पर्पल ग्रीन वेरिएशन के साथ कलर, ये मेरा पौधा जो है ब्राइट लाइट में शेडी प्लेस में रखा हुआ है। शेडी प्लेस लेकिन रोशनी अच्छी आती है। तो इसके कलर्स देख लीजिए आप। और ये मेरा एक DIY पॉट के अंदर लगा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें ग्रीन कलर ज़्यादा है, नाजुक सा खूबसूरत सा ग्रीन कलर है। पीछे पर्पल है लेकिन इतना ज़्यादा पर्पल नहीं है। अब इसके पर्पल में, जो ये मेरा शेड में लगा हुआ पौधा है उसके पर्पल में और इसके पर्पल में आप डिफरेंस कर सकते हो। ये बहुत डार्क है और ये बहुत ज़्यादा लाइट है। ये खूब लंबी लंबी वाइन्स में ग्रो हो जाता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। आपको गार्डन में अगर कलर ऐड करना है तो इसको ज़रूर से लगाइए। पानी इसको, इसकी मिट्टी सूखने पर ही दीजिए। रोज़ जैसे हम पानी देते हैं उस तरह इसको देने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी इजी टू मेंटेन प्लांट है। आप इसको वाइन की तरह ऐसे लटकते भी दे सकते हैं या फिर इसको ट्रिम करके भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नाजुक प्लांट है ये। अगर काम करते वक्त आपका हाथ भी लग गया तो ये टूट जाएगा। जैसे देखिए, मैं ये वीडियो बना रही थी और ये मुझसे टूट गया। अब इसको अगर मैं मिट्टी में ऐसे सिर्फ लगा देती हूँ तो भी ये आ जाएगा। इसके बैक साइड में यहाँ पे आपको नोड्यूल्स दिख रही हैं। यहाँ पर ये नोड्यूल्स है, हर पत्ते के पीछे ऐसी होती है। अगर आप इसको मिट्टी के ऊपर रख भी देते हैं, दिख रही है आपको छोटी छोटी जड़ें, अगर आप इसको मिट्टी के ऊपर रख भी देते हैं तो भी ये आराम से उग जाएगा। अब मैं इसके, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा है वंडरफुल वॉन्डरिंग जूई, मैंने क्यों ये टाइटल दिया है दिखाती हूँ आपको। ये मेरा पौधा शेडी एरिया में, जहाँ ब्राइट लाइट आती है वहाँ रखा रहता है। ये वाला थोड़ा अंधेरी जगह में रखा रहता है, सीढ़ियों में रखा रहता है, जहाँ पे सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक लाइट लगानी पड़ती है और शाम को फिर 5:30 बजे लाइट लगानी पड़ती है। आप समझ सकते हैं कितना अंधेरा होता होगा। और ये वाला मेरा पौधा बालकनी में पड़ा होता है, जहाँ पे खूब तेज़ रोशनी 11 बजे तक आती है और उसके बाद भी ब्राइट लाइट आती है। तो इसके कलर में कितना वेरिएशन है आप देख सकते हैं। ये मेरा मदर प्लांट है, काफ़ी पुराना है, 3-4 साल हो गए होंगे इसको,
और अब इसको रिपॉट करने का टाइम आ गया है। तो रिपॉट कैसे करना है इसको, सिर्फ इसको निकालेंगे, डंडियाँ निकाल देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसको पानी में भी प्रोपगेट कर सकते हो। पानी में विद इन वन डे इसके रूट्स निकल आते हैं। आज आप लगाओ, कल थोड़े थोड़े वाइट वाइट शूट्स आपके दिख जाएंगे, एक नहीं तो दो दिन में तो आपको उसके शूट्स दिख ही जाएंगे। पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, फिर भी ये पानी में अपनी जड़ें खूब आसानी से निकाल लेता है। अभी ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, इसमें कल ये काम करते वक्त थोड़ा टूट गया था, तो मैंने इसी के अंदर इसको टिका दिया है। ये अच्छे से चल गया है, लग गया है ये। अब बाकी पौधा देखिए पूरा पर्पल है। ये जब इसे लंबा होकर नीचे लटकता जाता है तो ऐसे लगी सा होता जाता है, नीचे एंड में इसकी पत्तियाँ आती है। ये देखिए धूप के कारण इसका आगे और पीछे दोनों का रंग पर्पल हो गया है। डायरेक्ट धूप में नहीं है, लेकिन ब्राइट सनलाइट में 11 बजे तक 11:30 तक धूप में धूप इसके ऊपर पड़ती है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही तोड़ देना है, हाथ से ही टूट जाता है, और इसको मेंटेन करना है। फिर आप इसको चाहिए तो फेंक दीजिए या किसी को दे दीजिए, वो भी लगा लेगा। तो ये है एक पौधे में तीन रंगों का कमाल। देखिए है ना खूबसूरत, है ना वंडरफुल वॉन्डरिंग जूई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।